नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लग्न के लिए कैप्रिकॉन एसेंडेंट्स के लिए मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन 10 मई 2023 दिन बुधवार को दोपहर 1:44 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में होने जा रहा है। कर्क राशि में जाकर के मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये क्या फल आपको प्रदान करेंगे इसके विषय में बात करेंगे। और अगर किसी प्रकार से मंगल ग्रह से मिलने वाली कोई परेशानी आप फेस कर रहे हैं तो क्या उपाय करें, इन सब चीज़ों के विषय में आगे बात करेंगे। तो देखिए, मंगल ग्रह जो है आपके चार्ट के अनुसार आपके चार्ट में आपके सेवेंथ हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर, सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि मंगल ग्रह जब डिबिलिटेटेड हो जाते हैं तो कैसे होते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी ऊँचाई पर जाता है तो उसे अच्छा फील होता है, परंतु जब वही व्यक्ति नीचाई पर आ जाता है, उसका डेजिग्नेशन कम कर दिया जाता है, तो उसे अच्छा फील नहीं होता, ये आप मान सकते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर मंगल ग्रह के साथ बनी है। मंगल ग्रह इस समय में नीच राशि के अंदर गोचर करेंगे, तो मंगल ग्रह यहाँ पर आपको अगर विवाह से संबंधित बात की जाए, लाइफ पार्टनर से संबंधित बात की जाए, पार्टनरशिप से रिलेटेड बात की जाए, तो उनके अंदर आपको काफ़ी केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय पर जो भी आपके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, उनके साथ कोई भी विशेष मीटिंग ना की जाए। अगर करते हैं तो काफ़ी सोच समझ करके, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी कोई अनुबंधन आपका होता है, पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट होते हैं, सोच समझ कर पढ़कर साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर 10 मई से लेकर के 30 जून 2023 तक जिन बच्चों का जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट में मांगलिक दोष देखा जाएगा। मांगलिक दोष जिन बच्चों के चार्ट में होता है, उन बच्चों को मांगलिक दोष का निवारण कराकर मांगलिक लड़के या लड़की से ही विवाह करने से लाभ होता है, तभी जाकर के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। इस समय अंतराल के अंदर मकर लग्न वाले जातक देखेंगे, जो मैरिड हैं वे देखेंगे कि उनका जो स्पाउस है वह इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक हुआ है। बात बात पर क्रोध करना, अपनी बातों को बड़ा चढ़ाकर रखना, इस तरीके की एक्टिविटी उसके अंदर देखी जा सकती है। और इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए काफ़ी एनर्जेटिक करेगा। आप अपने कार्य व्यवसाय को बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, और दिन जिसे कहते हैं ना दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाली बात, वो सिनेरियो यहाँ पर लागू होगा, परंतु उसमें कुछ कमी आएगी क्योंकि मंगल ग्रह खुद पीड़ित है। देखिए, जब कोई ग्रह खुद पीड़ित होता है, जब वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाता तो आपकी रक्षा क्या करेगा, ऐसा यहाँ पर मान सकते हैं। तो मंगल ग्रह की एनर्जी खराब हुई हुई है, हो चुकी है, तो जब मंगल ग्रह की एनर्जी खराब है तो ये आपके कार्य व्यवसाय में भी एनर्जी को किसी न किसी प्रकार से मिसयूज़ कराने का या एनर्जी के माध्यम से हानि पहुँचाने की चेष्टा करेगा। तो आपको अपने कार्य व्यवसाय में सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात रहेगी कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अगर आपका अपना ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी अच्छे प्रकार से पेश आएँ, किसी प्रकार का कोई क्रोध इत्यादि उनके साथ ना करें। इसके साथ साथ अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर अपने बॉस के साथ कोई विशेष मीटिंग ना करें। हो सकता है बॉस किसी और चीज़ के विषय में सोच रहे हो, आप जाकर के कोई और प्लान समझा दें, वहाँ पर उन्हें क्रोध आ जाए और उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखिए। इसके साथ साथ अगर आपका कोई फैक्ट्री इत्यादि है और वहाँ पर फायर से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, लैंड इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य आप करना चाहते हैं, उसे एक्सपेंशन करना चाहते हैं या उसमें कोई नई मशीनरी इत्यादि लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि ये जो समय रहेगा ये समय फायर को बिगाड़ सकता है। देखिए, तो फायर दो प्रकार की होती है, एक फायर तो वो होती है जिसके माध्यम से हम खाना बना सकते हैं, एक संभली हुई फायर, और एक फायर वो होती है जो घर को ही जला देती है, तो वो बिगड़ी हुई फायर होती है। तो ये जो फायर रहेगी, ये बिगड़ी हुई फायर है इस समय में, इसीलिए किसी प्रकार से कोई फायर जनरेट करने वाला मशीनरी या कोई ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड व्हीकल या कोई लैंड इत्यादि, या अगर आप किसी प्रकार से प्रॉपर्टी डीलर हैं, बिल्डर हैं, या आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई कार्य या मटेरियल आप सेल करते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस समय में लाभ की जगह हानि होने की संभावना अधिक बनेगी, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर चलें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर किसी प्रकार से सर मस्तिष्क से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। इस समय में सर में दर्द होना, आँखों में लाली आना, इस तरह की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। शरीर के अंदर एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा एनर्जी की वजह से और ज़्यादा कार्य करने की वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अपने आप को सबसे पहला तो उपाय यही रहेगा कि अपने आप को ज़्यादा थकाए नहीं, थोड़ा काम, थोड़ा रेस्ट, फिर थोड़ा काम,
काम को टुकड़ों में डिवाइड करके कर दें, आप रेस्ट भी करें, काम भी करें, ताकि आपके कार्य का लॉस भी ना हो और आपकी हेल्थ को भी किसी प्रकार से कोई इफेक्ट ना हो। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपकी वाणी के अंदर, देखिए वाणी के अंदर आप जो भी शब्द बोलते हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर बोलें, किसी से भी आप कटु शब्द ना बोले। इस समय में कटु शब्द अगर आप बोलेंगे तो आपके लिए और परेशानी वहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ घर परिवार की अगर बात की जाए तो इस समय में घर परिवार का माहौल काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। सदस्यों के आपस में मन मिटाव होना ऐसा यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार से आपको नाक, कान, गले, आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या मुँह के अंदर छाले आने जैसी प्रॉब्लम है, या आँखों में लाली आने जैसी प्रॉब्लम है, आँख से पानी आने जैसी प्रॉब्लम है, तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए। इस समय में उन चीज़ों के लिए आप समय से डॉक्टर से कंसल्ट करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप सिंगिंग आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो एनर्जी आप लगाते हैं उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके करें तो सुर अच्छे निकल पाएंगे। अगर आप ज़्यादा एनर्जी लगा करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं बजाएंगे तो सुर जो निकलना चाहिए वो ना निकल करके उसकी साउंड चेंज हो जाएगी, जो अच्छी नहीं लगेगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह से अगर आप किसी प्रकार की कोई परेशानी फेस कर रहे हैं। देखिए अगर आपका मंगल किसी प्रकार से पीड़ित अवस्था में है जन्म का, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये ट्रांजिट के मंगल के ऊपर है, अगर आपका बाय बर्थ का मंगल किसी प्रकार से भी पीड़ित है, अशुभ ग्रहों के साथ है, नीच राशि में है, या मंगल ग्रह की ही महादशा चल रही है, मंगल के ऊपर किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये जो रिजल्ट मैंने बताया ये अधिकता में बढ़ जाएंगे। और अगर किसी कारण से आपकी शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, मंगल ग्रह अच्छी पोजिशन में है, अच्छे प्लेनेट के साथ, अच्छी राशि में, अच्छे नक्षत्र और अच्छे डिग्री पर विराजमान है, तो यहाँ पर मंगल ग्रह से मिलने वाले जो रिजल्ट हैं 1 से लेकर 100 तक जो रिजल्ट है उसके अंदर उसी परसेंटेज में कमी आ जाएगी। रिजल्ट आपको वही मिलेगा मंगल का जो मैंने बताया, परंतु उसके अंदर अधिकता या न्यूनता आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके बर्थ चार्ट का मंगल किस पोजिशन में है। अब बात करते हैं उपाय की कि क्या उपाय किया जाए। देखिए इस समय अंतराल के अंदर अगर मंगल से रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आपको डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। डेली करें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आप मंगल ग्रह से मिलने वाले शुभ फलों को प्राप्त कर पाएंगे और मंगल ग्रह की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये था मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।